हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 710। और आज अपना ये वैदिक मैथमेटिक्स का सेकेंड लेक्चर है। आज हम बहुत ही अच्छा ट्रिक यहाँ पे देखने वाले हैं जो कि स्क्वेयर का रहेगा। ठीक है, तो आप बहुत ही मतलब फास्ट यदि स्क्वेयर निकालना चाहते हो तो आज का आपको लेक्चर देखना चाहिए, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। तो अभी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका कैलकुलेशन इस वीडियो के बाद कितना फास्ट होने वाला है। इसलिए मैं सोमेश्वर सर जो हमारे भाई है मैं उनको यहाँ पे बुलाऊंगा, है ना। हम उनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन, और आप कैलकुलेटर ओपन करके रखना, देखते आपका कैलकुलेटर फास्ट आंसर करता है या सोमेश्वर सर फास्ट आंसर करते हैं। ठीक है, मैं इसीलिए यह करना चाहता हूँ क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है, तो अभी हम स्क्वायर पूछेंगे सोमेश्वर सर से, है ना। सोमेश्वर सर, 45 का स्क्वायर 20, 25। वेरी गुड। ठीक है, अभी देखो कैलकुलेटर से फास्ट हो रहा है ना। 65 का स्क्वायर 42, 25। वेरी गुड, बहुत ही फास्ट। ठीक है, अभी 85 का स्क्वायर 72, 25। वेरी गुड। देखो अभी हम ये, ठीक है, थैंक यू सोमेश्वर सर। अभी देखो हम करेंगे ये वाला, ये सारी ट्रिक्स मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा कि ये फास्ट कैसे होता है, एकदम बढ़िया ट्रिक है। ठीक है, लेकिन बस ये वैदिक मैथमेटिक्स का जो भी अपना तुम्हारा पास जो नोट्स है ना उसको क्या करना है, आपको अच्छे से बना लेना है। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो यदि स्क्वायर आपको बनाना है, ठीक है, ये आज का मेथड जो है स्क्वायर का मेथड है, लेकिन स्क्वायर में कौन सा, जिसके यूनिट डिजिट में 5 रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो तुम 25, ठीक है, यूनिट डिजिट में 5 है ना, तब वाला ये मेथड है, बहुत फास्ट हो सकता है यदि आपको ये आज का मेथड पता है। तो क्या करना है, 25 जैसे ही यूनिट डिजिट में 5 है तो 25 तो आपको लिख लेना है, 25 तो 101% लिख लेना है, बाकी रहा ये डिजिट, है ना। 2 का आगे का नंबर क्या होता है भाई, 3 होता है ना, तो 2 × 3 कर लेना, यानी क्या होता है 6, ये 6 को यहाँ पे लिख लो, हो गया भाई 25 का स्क्वायर 625, कितना आसान है। देखो अभी मैं 35 करता हूँ, 35 भाई 5 है यूनिट डिजिट पे और ये स्क्वायर है, ठीक है, 5 है यूनिट डिजिट पे, तो 5 का भाई 25 तो लिख लेना है आपको, और 3 का आगे का क्या है भाई, 3 का आगे का क्या है, 4 है ना, तो 3 × 4 करना तुम्हें 12, यानी 12, 25। ठीक है, अभी जैसे मानो 45 का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर भाई लिख लेना है 25, और 4 का आगे का नंबर क्या है, 5 है ना, तो 4 × 5 करना है आपको, यानी 20, है ना, यानी ये हो गया 20, 25। देखो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी तो 2 डिजिट के चल रहे, 3 डिजिट के भी मैं बता दूंगा, लेकिन कंडीशन क्या है, यूनिट डिजिट पे 5 चाहिए, और बहुत ही आसान कंडीशन है, इसमें याद रखने वाला ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मुझे लगता है आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिख रही होगी बोर्ड के अंदर, है ना, ये सब दिख रहा होगा। ठीक है, अभी हम करते हैं नेक्स्ट स्टार्ट। ठीक है, और बढ़िया तरीके से देखो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है। ठीक है, देखो जैसे 65 का स्क्वायर करना है तो 25 तो लिख लेना है भाई, है ना, 6 का आगे का नंबर कौन सा है, 7 है ना, 6 × 7 कर लेना, कितना फास्ट हो सकता है, 42, तो 65 का स्क्वायर कितना होता है तुम्हारा, 42, 25। ठीक है, सिमिलरली 75 का स्क्वायर है ना, तो 5 का तो भाई 25 लिख लेना है, और 7 का आगे का नंबर कौन सा है, 8 है ना, तो 7 × 8 कर लेना भाई, कितना होता है 56, तो आंसर है भाई तुम्हारा 56, 25। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो हो गया 2 डिजिट का। अभी मुझे बताओ भाई 85 का, जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मान लो 85 का स्क्वायर क्या है, आ गया है ना, इसका आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, फिर मैं पूछूंगा भाई 95 का स्क्वायर क्या है, आ गया ना आंसर, तो इसका आंसर क्या करना है भाई, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, एकदम मतलब सेकेंड भी नहीं लगता है यदि ये ट्रिक आपको पता है तो। अभी हम जाएंगे 3 डिजिट पे। ठीक है, सिमिलरली 3 डिजिट का भी भाई तुम्हारा स्क्वायर एकदम फास्ट हो सकता है, इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं। ठीक है यार, मैथ बहुत ईजी है, मैथ में सिर्फ तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, कंसेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए, बस मैथ में कुछ भी नहीं, सब करा के देंगे हम, टेंशन मत लो। ये ठीक है, ये यूट्यूब चैनल पे सब तुम्हें मिलेगा। ऐसे देखो मैं यदि बोलता हूँ भाई 115 है ना, 115 का यदि आपको स्क्वायर निकालना है तो सिंपल से भाई 5 है यूनिट डिजिट पे, उसका तो 25 आ जाएगा, लेकिन अभी क्या 11 है ना, तो 11 × 12 करना है। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि किसी भी नंबर को × 11 कैसे करना होता है भाई, 2 जैसे कि वैसे, दोनों नंबर का एडिशन करो, यानी 2 + 1 = 3 और 1 जैसे तैसे, यानी 11 × 12 कितना होता है 132, तो लिख लो यहाँ पे 132, 25, तो 115 का स्क्वायर कितना है भाई 132, 25, है ना। तो अभी आपके दोस्त को कॉल कर लेना और उसको बोलना भाई कोई भी नंबर मुझे बता जिसके यूनिट डिजिट में 5 है, मैं उसका स्क्वायर तुझे सेकंड में बता दूंगा, है ना, ये ज़रूर करना, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, अभी देखो जैसे दूसरा नंबर लेते हैं हम, जैसे मान लो 135 का यदि मुझे स्क्वायर करना है तो भाई 25 तो रहेगा, देन 13 का आगे कौन सा नंबर है तुम्हारा, 14 है ना, तो 13 × 14 करो। देखो इसका भी एक शॉर्टकट होता है, लेकिन वो हम अगले वीडियो में बताएंगे, अभी मैं
ट्रेडिशनल मेथड से आपको एक मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूँ। 14 × 3 कितना होता है तुम्हारा, है ना 42 होता है ना, तो 4 है ना, 2 लिखेंगे 4 यूनिट में, 14 × 1 4 14, 14 + 4 तुम्हारा क्या होता है 18, यानी क्या हो गया 182 25। ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर जैसे 145 का यदि आपको स्क्वायर करना है 25 तो लिख लो भाई, देन 14 × 15 कर लो, है ना, तो 15 × 4 = 60 यानी 0 है ना, ये 15 × 1 = 15, 15 + 6 यानी 21, ये तो ये क्या हो गया 21025 का स्क्वायर है। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि भाई मुझे होमवर्क है ये, ठीक है, मैं अभी होमवर्क दे रहा हूँ आपको, है ना, दो होमवर्क हो चुके हैं, होमवर्क नंबर अभी 3 लिख लेना, 3 नंबर का होमवर्क है तुम्हारा, 155 का स्क्वायर है, 4th नंबर का होमवर्क है तुम्हारा, 165 का स्क्वायर है। ठीक है, ये चारों के चारों होमवर्क का आंसर आपको वहाँ पे कमेंट बॉक्स में करना है, मुझे 100% गारंटी कि ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से निकल समझ में आ गई होगी, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, लेक्चर को बंद करते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको करना है, एकदम बढ़िया तरीके से आंसर भी कमेंट बॉक्स में लेना है, और वैदिक मैथमेटिक्स की अपनी जो भी नोटबुक है उसमें ये सारी ट्रिक आपको लिख लेना है। थैंक यू सो मच।